वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया। कोलवा थाने में प्रकरण को दर्ज करवाया है। अश्लील वीडियो बनाने और वायरल करने की धमकी का भी आरोप लगा। पीड़िता की मां ने दर्ज करवाया है मामला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपको बता दें कि अश्लील वीडियो बनाने और इसे वायरल करने की धमकी भी दी गई पीड़िता को, जिसके बाद पीड़िता की मां ने पुलिस थाने में मामले को दर्ज करवाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की दौसा से। 13 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपको बता दें कि कोलवा थाने में मामले को दर्ज करवाया है। पीड़िता की मां ने कोलवा थाने में इस मामले को दर्ज करवाया है। अश्लील वीडियो बनाने और इसे वायरल करने की धमकी पीड़िता को दी गई थी, जिसके बाद पीड़िता की मां ने कोलवा थाने में इस मामले को करवाया। और आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दौसा से बड़ी खबर इस वक्त की, नाबालिग छात्रा के साथ, नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म का मामला। 13 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म, और आपको जानकारी दे दें कि पीड़िता की मां ने मामले को दर्ज करवा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर बता रहे हैं दौसा से, जहां पे 13 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। आपको बता दें कि पीड़िता को अश्लील वीडियो बनाकर उसको धमकी भी दी गई, वायरल करने की धमकी, जिसके बाद पीड़िता ने अपनी मां को इस पूरी घटना से अवगत कराया, जिसके बाद पीड़िता की मां ने कोलवा थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई है।